नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके। यूपी इलेक्शन को लेकर टिकट की मारामारी, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी ने मलियाबाद से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, जो लगातार कई बार मलियाबाद क्षेत्र से विधायक भी रहे। इंदल रावत आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भी ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में मलियाबाद से अपनी दाव ठोकने जा रहे। सर, क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होंगे चुनावी मुद्दे, क्योंकि अब तो चीजें रंग ढंग बदली। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और मलियाबाद के क्षेत्र जनता को बधाई देता हूँ, जिनके बीच मैं सुख दुख में हमेशा मैं बना रहा, उनका स्नेह प्राप्त और आज उनका स्नेह आशीर्वाद देने के लिए और उनकी सेवा करने का जो मैंने मन बनाया है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में टिकट दिया था और मैं विधायक बना और जनता के बीच में अपने चरित्र का, अपने व्यवहार का मैंने प्रस्तुति करी, उनके सुख दुख में खड़ा रहा। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग थे, हर वर्ग के लिए सम्मान और सम्मान की मैंने लड़ाई लड़ी। हाँ, निश्चित तौर पे कुछ सामंतवादी सोच के लोग हमसे आहत थे, 2017 में मेरा टिकट कटवा दिया और तब भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रहा। और जब समाजवादी पार्टी से राजबाला रावत जी चुनाव लड़ी, तब मैं उनके लिए वोट भी मांगने गया, लेकिन जो आज 2022 में जो टिकट हुआ है, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोगों ने गुमराह करके एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव टिकट दिला दिया है जिनका वहां पर कोई जनाधार नहीं है। और जिन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किया है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए है। वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताना चाहते, जैसे 2017 में जय देवी कौशल को उन्होंने जिताने काम किया था और 2012 में मैं ही इंदल कुमार रावत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लेकर के, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं हमारे यहाँ नेता, मैंने उनको हराया था। वो जानते हैं अगर इंदल रावत से मुकाबला होता तो निश्चित तौर पर उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये डर था। इसलिए जिस समाज का वोट नहीं है, उस समाज के व्यक्ति को खड़यंत्र करके उन लोगों ने टिकट दिला दिया। अब हमारे साथ अगर गंदी राजनीति होगी, मेरा सम्मान नहीं बचेगा। हमारे यहाँ जो क्षेत्र के कार्यकर्ता है, जिनका स्नेह हमको प्राप्त है, अगर उनका सम्मान नहीं बचेगा तो हम राजनीति या तो ना करें। और अब हम समाजवादी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ गया हूँ और माननीय राष्ट्रीय नेता जो हमारे सोनिया गांधी जी हैं और माननीय राष्ट्रीय नेता जो हमारे युवा राहुल गांधी जी हैं और माननीय प्रियंका गांधी जी, उनके साथ उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और जो प्रदेश कमेटी के, जिला कमेटी के, विधानसभा कमेटी के, सबका स्नेह प्राप्त है। सबसे मिल करके मैं अपने जीवन का संघर्ष शुरू करने जा रहा हूँ और बाकी फैसला मलियाबाद की जनता छोड़ता हूँ कि कितना मुझे स्नेह देती है। हमें पूरा भरोसा है कि मलियाबाद की जनता हमारी सेवा भाव को देखते हुए आगे 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, तो जब 10 तारीख आएगी तो इंदल रावत वहां से विजयी। इंदल जी, प्राथमिकता क्या होगा, पहला कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको दी है, तो पहला कदम जीतने के बाद क्या होगा या क्या मुद्दे रहेंगे जो लेकर जाएंगे आप? देखो, ऐसा है, 2012 से लेकर 17 तक मैंने काम किया और हमारे काम समाजवादी पार्टी में रह करके हमने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करके, सक्रिय रह करके और उनसे तमाम योजनाएं मलियाबाद को मैंने समर्पित की, जो हमारा अपना किया हुआ चरित्र है। और जब दोबारा जनता अवसर देगी तो जो हमारे कांग्रेस पार्टी का मनोफस्ट है और जो जनता की जरूरत है, जैसे हमारा फलपट्टी क्षेत्र है, फलपट्टी बागवानी कैसे अच्छी बनाई जाए, इसके लिए हम काम करेंगे और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जनहित में हम लोग काम करेंगे। हमारे लिए कोई मतलब हमारी कार्यशैली से जन जन वाकिफ है। हमारे यहाँ लोग कहते थे हमें सिर्फ बिजली दे दो, मलियाबाद के लिए कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हमने इतना काम किया है कि बड़े बड़े पावर हाउस ऐसे बना दिए कि हमारी मलियाबाद क्षेत्र की जो यूनिट लगी है वहाँ 29 एकड़ में जेहटा में, वो यूनिट आस पास के ट्रांसफार्मर को बिजली देगी। इंदल जी, आखिरी सवाल, टक्कर किससे है, सपा, भाजपा, बसपा? किसी से टक्कर नहीं है, जनता तय करेगी। जनता मेरे साथ है, जनता चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पे इंदल कुमार रावत जीत गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये समर्थक भी यहाँ पर बैठे हैं, आज अपने समर्थकों के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामा है और मलिहाबाद से प्रत्याशी भी घोषित हुए। देखने की बात है कि मलिहाबाद की जनता का साथ जिस तरह से पूर्व में भी इन्हें मिलता आया है, क्या इस बार भी मिलेगा, क्योंकि इस बार चुनावी घमासान में हम हमेशा लगातार दिखाएंगे कि आखिर क्या है यूपी के माहौल। इसी के साथ मैं विक्रम।